नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर उत्तरकाशी से। यमुनोत्री हाईवे पर राड़ी टॉप के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से सुबह से ये रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते कई यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। एनएच और पीडब्ल्यूडी ने सड़क को खोलने के लिए मशीनें भेज दी हैं। साथ ही लगातार बारिश के चलते कई जगह पर भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो राड़ी टॉप के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से घनसाली केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और सड़क बंद होने से कई यात्री यहां पर फंस गए हैं। तो देख सकते हैं आप, लंबी कतारें लग गई हैं और आसपास जो यात्री फंसे हुए हैं सड़क बंद होने की वजह से, उनकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड जारी है। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया है। बारिश के चलते हाईवे 9 पूरी तरह से बंद हो गया है। बंद रास्ते को खोलने के लिए जेसीबी से मलबे को हटाए जाने का काम लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे भी बंद हो गया के और बार बार इसे खोला जाता है, लेकिन दोबारा से ये बंद हो जाता है। पिछले 48 घंटे में हुई बारिश के चलते दोनों हाईवे कई जगह पर बंद हो गए थे, जिससे बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला। यात्रियों को बड़ी राहत मिली। हालांकि दोनों हाईवे पर कई जगह पर पहाड़ी से पत्थर आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये खतरा लगातार बना हुआ है। राहत की बात यह है कि इस समय बारिश रुकी हुई है। और चमोली से अगली बड़ी खबर, जहां पर ज्योतिर्मठ नृसिंह मंदिर मोटर मार्ग मलबा आने से एक बार फिर से बंद हो गया है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर आने से सड़क बंद हो गई है। सड़क को खोलने का काम लगातार जारी है। नृसिंह मंदिर जाने वाली सड़क बंद हो गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद तीर्थयात्रियों के लिए आफत बना हुआ है। जगह जगह पर मलबा आने के बाद यात्री फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग पागलनाला छिनका कमेडा चटवा पीपल के पास बार बार बंद हो रहा है। हालांकि सड़क को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, पर लगातार हो रही बारिश और मलबा आने से आफत लगातार बरकरार है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। वरुणावत पर्वत पिछले 2 दिनों में भूस्खलन यहां पर होने से भूस्खलन का दायरा बढ़ गया है और पर्वत के नीचे रहने वाले लोगों में लगातार दहशत बनी हुई है। प्रशासन की ओर से 32 परिवारों को पहले ही यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत के ऊपर की ताज़ा तस्वीर से खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वरुणावत पर्वत से सुबह सुबह टूट कर एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ लगी रेलिंग तक पहुंचा। हालांकि सभी हालात अभी सामान्य बने हुए हैं। पौड़ी में बीते दिन हुई जोरदार बारिश की वजह से भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश की वजह से जिले की 6 हाईवे समेत 84 सड़कें बंद हो गई हैं। केंद्रीय विद्यालय को जाने वाली सड़क भी बैंचवाड़ी के पास क्षतिग्रस्त हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि बंद सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। ₹500 से ₹700 बच्चे जो है वो गाड़ी से ही ट्रेवल करते हैं और ये एक बहुत खतरे की बात है। एहतियात के तौर पे जिलाधिकारी महोदय से भी इडवालसियों विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने बात की थी और आज जो है हम चाहते हैं कि जो अधिशासी अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, वो इस पर टेम्पररी कुछ व्यवस्था बनाएं, क्योंकि तो उसको हमने जो है तत्काल खोल दिया था पीछे कटिंग करके,
और भारी वाहन वेतु भी उपलब्ध करा दिया था। और चूंकि इसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आगमन गठित कर लिया इसमें, और ऐसा उसमें जो है SRMD जो है स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, तो जैसे ही सेंक्शन होता है तो इसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293 मीटर के लेवल तक पहुंच गई है, और अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं, और जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकिया को भी अलर्ट कर दिया है। इस टाइम जो हमारा लेवल है 293.15 लेवल चल रहा है, और उसमें 150,851 क्यूसेक पानी इस टाइम डिस्चार्ज चल रहा है हमारा बैराज पर। और सुबह 6 बजे करीबन हमारा 293.30 लेवल हो गया था, और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज है 181,900 क्यूसेक गया है मैक्सिमम। इस टाइम घटता हुआ लेवल है, और अभी बारिश बता रहे हैं कि ऊपर भी बारिश अभी हो रही है। पिछले 2 दिनों में पहाड़ों में हुई बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते देर रात ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल पर पहुंच गया। आपको बता दें कि पुलिस ने गंगा के तटों से दूर रहने के लिए अपील की। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, ये सूचना आपको जल पुलिस द्वारा दी जा रही है, सूचना पे ध्यान दें। प्रशासन करेंगे, गंगा जी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पहाड़ों में अत्यधिक बारिश हो रही है, सावधानी से स्नान करें आप लोग। चमोली में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा नदी, धौली गंगा, पिंडर नदी उफान पर बह रही है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर कमेडा, पाताल गंगा, पागल नाला, नंद प्रयाग में मलबा आने से बंद हो गया है। बार बार सड़क बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। 3 दिनों से लगातार पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश जारी है, और बारिश की वजह से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं, तो वहीं नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें, इस समय मैं विष्णुप्रयाग में मौजूद हूं, किस तरीके से धौली नदी और अलकनंदा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है, और यहाँ पर नदियों का जल स्तर बढ़ने का मतलब यह है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जितने भी डैम अलकनंदा नदी पर बने हुए हैं वो लगातार पानी छोड़ते हैं, और मैदानी इलाकों में लगातार बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। आप देखिए किस तरीके से जो अलकनंदा नदी है वो भी बढ़ी हुई है, धौली नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, बर्फबारी भी अब ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो ऐसे में नदियों का जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है, और बारिश की वजह से एक बार फिर से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वहीं मिट्टी पत्थर भी लगातार नदियों में बहकर आ रहे हैं। पहाड़ों में अभी और बारिश की संभावना बताई गई है, यानी कि 14 सितंबर तक पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, लेकिन 15 के बाद बताया गया है कि मौसम साफ हो सकता है, तो पहाड़वासियों को ज़रूर कुछ राहत मिलती हुई नज़र आएगी। नितिन सेमवाल, News18 विष्णुप्रयाग। अल्मोड़ा की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लमगड़ा इलाके में देर रात एक बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार खटीमा से पिथौरागढ़ के लिए जा रहे थे। रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के लाल प्रमोद डबराल 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। आज शहीद प्रमोद डबराल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जवाड़ी पहुंचा, और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रमोद डबराल गढ़वाल राइफल में तैनात थे। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब
हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है, आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव और इसी गहमा गहमी के बीच ऋषिकेश कॉलेज कैंपस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा यह किया गया कि वीडियो में जो दो लड़कियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं वो दरअसल चुनाव की किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो को लेकर स्वतंत्र तौर पर कोई दावा नहीं करता। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक चले झगड़े को किसी स्टूडेंट ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। टिहरी में बांध विस्थापित संघर्ष समिति के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और पुरानी टिहरी बांध विस्थापित परिवारों को भूमि का बकाया दुकानदारों के आवंटन की मांग को लेकर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। विस्थापितों का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर पुरानी टिहरी विस्थापित परिवारों को बढ़ी हुई दरों पर मुआवजा दिया गया, लेकिन वार्ड 1 से लेकर 6 तक के परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया। वही मामले में डीएम ने जल्द बैठक कर समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। ज्योतिर्मठ विकासखंड के कलगोट गांव के लोग 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव में सड़क की मांग को लेकर लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पीएमजीएसवाई विभाग की लापरवाही की वजह से गांव में अभी तक सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क नहीं बनाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विभाग को अवगत कराया है, लेकिन विभाग ने हमें हमेशा आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक धरा तल पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक को भी इस बारे में हमने अवगत कराया है, लेकिन अभी तक धरा तल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। यदि 15 सितंबर तक दोनों विषयों में अगर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो स्थानीय जनता दोनों विषयों को लेकर जिलाधिकारी चमोली के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की स्वयं रहेगी। बागेश्वर में दरकते पहाड़ों और घरों की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम पहुंची है। टीम द्वारा खनन प्रभावित गांव कांडे कन्याल और पौराणिक कालिका मंदिर की जांच की गई। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था, जिसके बाद जीएसआई की टीम यहां पर पहुंची है। अब टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांडे कन्याल में जो दरारें पड़ रही थी उसको लेकर आज हमारे द्वारा पुनर्निरीक्षण किया गया है, जिसमें जीएसआई की टीम भी आज हमारे साथ है और जीएसआई की टीम के साथ हम लोग जॉइंट सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद जो भी इसमें आएगा उसके अनुसार ही आवश्यक कार्रवाई में लाई जाएगी। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज से हर शनिवार और रविवार आपके लिए लेकर आ रहा है भोजपुरी भाषा में एक खास बुलेटिन, जिसमें भोजपुरी भाषा में देश विदेश की खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। न्यूज 18 पर शुरू होने जा रही इस खास भोजपुरी बुलेटिन को लेकर देवरिया से सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने क्या कहा, देखिए। नमस्कार। भोजपुरी भाषा में एक मिठास बामार तोहार नाई होला, ए में हम सब को आगे बढ़ना यह होला, तो यही भाषा में हम सबके प्रयास से सबका विकास कैसे परिभाषित करी। हमारा लक्ष्य यह बा बतौर सांसद देवरिया कुशीनगर, हमारा लक्ष्य बा कि भोजपुरी भाषा के होत होत हम लोग अपन क्षेत्र के आगे बढ़ाएं,
अपन क्षेत्र में जौन प्रतिभा बा ओके पूरे विश्व भर में देश भर में फैलाया जाए। ओकरे बाद हम सब मिलजुल के एक नए देवरिया जौन निर्माण के एक विकसित भारत के निर्माण के जौन स्वप्न बा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ओके यहाँ धरातल पर उतारल जाए। आई मिलजुल के एक नए देवरिया का निर्माण करल जाए और इसीलिए जौन न्यूज़ 18 एक भोजपुरी चैनल बनैले बाणे उनके बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं और राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं जहां पर कॉर्बेट से जल्द ही नया मेहमान भेजा जाएगा। दरअसल कॉर्बेट से 5 बाघ राजाजी भेजे जाने हैं जो कि राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में बाघों का कुनबा बढ़ाएंगे और इसके तहत 3 बाघिन और 1 बाघ राजाजी भेजे जा चुके हैं। अब 1 बाघ को वहां पर भेजा जाना है जिसकी तैयारियां जारी हैं। जल्द ही 1 बाघ को रेस्क्यू कर राजाजी में शिफ्ट किया जाएगा और इसके साथ ही यहां पर भेजे जाने वाले बाघों की संख्या पूरी हो जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व की जो वेस्टर्न जो पोर्शन है, पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें भारत सरकार की परमिशन मिली है, NTC की परमिशन मिली हुई है। उसके अंतर्गत कॉर्बेट से 5 टाइगर जिसमें से 2 मेल और 3 फीमेल उनको भेजे जाने का पूरा जो प्रयोजन है, प्रस्ताव है, पूरा है। अब तक हमारे उसमें 4 जानवर यहाँ से 4 टाइगर वहाँ भेजे जा चुके हैं जिनमें से 3 फीमेल हैं और 1 मेल है। नंदाष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के बामणी गांव में नंदा माता की विदाई के अवसर पर भगवान कुबेर और घंटाकर्ण भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान कुबेर की पूजा अर्चना के बाद कल बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति मेले का आयोजन किया जाएगा। मान्यता ये है कि भगवान बद्री विशाल कल अपनी माता से मिलने के लिए भारत के प्रथम गाँव माणा के पाला के पाल माता मूर्ति मंदिर में पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। मां नंदा की कुल देवी के तौर पर पूजा होती है। पहाड़ों में इस समय नंदा महोत्सव की धूम है लेकिन नैनीताल में नंदा महोत्सव का खास आकर्षण का केंद्र रहती है पंच आरती, जिसे देखने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। देखिए घड़ियालों की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां नंदा सुनंदा की आरती उतारी गई। दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही नैना देवी के प्रांगण में भक्ति का माहौल एकदम बदल जाता है। मां नंदा सुनंदा की हो रही पंच आरती में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पंच आरती के दौरान जल, पंचदीप, पुष्प के साथ मां की स्तुति की जाती है। आरती के दौरान मां का अद्भुत स्वरूप नजर आता है। बलाएं भी दूर होती है, जैसे हम घर में बच्चे की जरा सरसों हरसों डाल देते हैं चखा दूर हो जाती है, तो उसी प्रकार से आपने देखा होगा आरती से पहले माँ का स्वरूप और आरती के बाद माँ का स्वरूप। आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगता है कि पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठता है। पंच आरती में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस आरती के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि दूर दराज के इलाकों से भी इसे देखने आते हैं श्रद्धालु। इतना अच्छा लगा कि जैसे हम खुद एक कनेक्शन फील हुआ भगवान से कि यहाँ आकर अगर डोला में हम पीछे जो डांस वगैरह चल रहा है बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब इट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम कि एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए नैनीताल आकर नंदा देवी मंदिर में। बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा जैसे देवों का वास है यहाँ पे और पंच आरती हमने देखी और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा कितना अच्छा लगा है। कुमाऊं में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है तो पंच आरती इस महोत्सव की जान है। श्रद्धालुओं की मां के प्रति श्रद्धा इस आरती में देखने को मिल रही है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।